नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वह श्री गंगानगर की राजनीति का। कल शनिवार को नगर परिषद के हुए चुनावों के बाद कल से सभापति पद के लिए भाजपा ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। कल रात्रि सभी प्रत्याशियों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने श्री पैलेस में एक साथ भोजन किया और आगे की रणनीति बनाई। इसी रणनीति के चलते पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अभिषेक मठौरिया, महेश पेड़ीवाल, जयदीप भ्यानी, संजय महिपाल ने गुप्त बैठक कर रणनीति तैयार की। फाइटर न्यूज़ का कैमरा भी इन गतिविधियों को कैद कर रहा था। आज रविवार को पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को पहले सुबह 9 बजे बुलाया तो बाद में दोपहर 3 बजे। शाम 4:15 बजे भाजपा के लगभग सभी प्रत्याशी 2 बसों में सवार होकर अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए। सूत्रों ने बताया कि इनको हरियाणा में ले जाया गया है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक गुट द्वारा निर्दलीय प्रत्याशियों को भी एकत्र किया गया है। यह गुट भी विरोधी गुट को पटघनी देना चाहता है। भाजपा सभापति पद को लेकर काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है। पार्टी के नेता अभिषेक मठौरिया का दावा है कि श्री गंगानगर में नगर परिषद सभापति भाजपा का होगा। नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। नगर परिषद के कल हुए चुनावों के बाद अब सभापति पद के लिए जोर आजमाइश का कार्य शुरू हो गया है। अब हमारे साथ उपस्थित हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अभिषेक जी मठौरिया। मठौरिया जी, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। अब सभापति पद के लिए भाजपा की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव के बाद सभापति की ओर सब टकटकी लगाते हैं, आपका प्रश्न गलत नहीं है। पर 19 से पहले तो ये बताना बिल्कुल भी संभव नहीं है, कोई प्रत्याशी है नहीं है, वो जीत रहे हार रहे, ये सारी बातें 19 को रिजल्ट आने के बाद और जिस प्रकार टिकटें भी जो एक समिति बनी हुई है स्थानीय, जिला और प्रदेश की, ये बड़ा फैसला पार्टी आलाकमान जयपुर में बैठ के सब लोग लेंगे। पर 19 के रिजल्ट से पहले कुछ कहना संभव नहीं है। आपको क्या लगता है क्या परिणाम रहेंगे इनके? देखिए, आप मानकर चले भी जो हमने आंकड़ा लगाया है और जिस प्रकार से पोलिंग हुई है, लगभग 45 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी किंतु परंतु की जीत रही है। कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो 15 पार भी नहीं हो पा रहा। हम मानते हैं कुछ एक निर्दलीय जरूर आएंगे, बट हमारा आंकड़ा स्पष्ट रूप से पार्टी के पक्ष में आ रहा है। आपने जो 45 का आंकड़ा बताया, इसका आधार क्या है? ऐसा क्या किया है भाजपा ने जिसके चलते आपको ये लगता है कि 65 में से 45 सीटें लोग आपकी झोली में डालेंगे? दो चीज़ें हुई है। हमने पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में शासन किया, एक, और केंद्र का जो शासन रहा माननीय मोदी जी का, लोग उससे प्रभावित रहे। नंबर दो, सबसे बड़ा, इसके अलावा एक बड़ा कारण और था कि वर्तमान सभापति ने जो विकास कार्यों की अनदेखी करी और जो व्यवहार की उनकी शिकायतें आई, जो भेदभाव, भ्रष्टाचार, धनबल की शिकायतें आई, गंगानगर की जनता उस बात से त्रस्त है, इन आरोपों से, खरीद फरोख्त, ले जाना उठाना के आरोपों से त्रस्त है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताकर साफ सुथरी राजनीति का परिचायक बनेगी भारतीय जनता पार्टी। मठौरिया जी, भाजपा ने जिन जिन को टिकटें दी, क्या वो समस्त प्रत्याशी आपके साथ हैं? हमने 64 वार्डों में टिकट दी है। एक वार्ड में 3 संतान होने की वजह से वो आवेदन स्वीकार नहीं हो पाया। 64 के 64 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और पार्टी के निर्णय पर खरा उतरेंगे। धन्यवाद मठौरिया जी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.